सरकार के खिलाफ बोलते या पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलते थी वह मुआवजा भाने सिद्धू नूं भुगतना पैसा कह रहा है भाजपा तो बहुत बड़ा खतरा संविधान नूं जिहड़ा तूं मेरे ते परचा पाया है आ मेरा सारा मजदूर भाईचारा खड़ा है की एससी एक्ट मेरे ते लाउणा बणदा है कोई नौजवान पंजाब की गल करता चल जेल च चल परचा चल एन एस ए काम तेन बनाया सीगा प्रताप बाजवे वर्ग कह रहा नवजोत सिंह सिद्धू कह रहा मजीठिए कह रहा है जोड़ी पिच तो तुम खेडना मेरे ना आ जाओ जोड़ी पिछते मेरे ना खेडना तुम आ जाओ मैं गल ध्यान नाल सुन ला भगवंत माना तेरे ना चले हुए कारतूस तेरे ना नहीं खेड सकते किसी भी पिछते तेरे ना खेडन गया पंजाब का नवा यूथ पंजाब के नवे नौजवान जेल के जाके आए जो स्टार्टिंग गए थे कोई टॉर्च पुलिस वालों किया गया मनीष सिसोदिया जेल के फसया हुआ शराब के लिए शराब के घपले के जाके पंजाब का मुख्यमंत्री धरने पर बह गया कोई पंजाब के हकों लिए जाके धरने पर बैठा वीडियो दिखाऊं लोगों को जिहड़ा बंदे ये गल कह रहे हैं कि मूँह असी भी तीह लाख रुपया उन्होंने जो मिलवारन आया उन्होंने फंड दिता वो कहते इतने मिलवारन में वड़ के दिखावे कोई इन्हों का कोई आ जाए आम आदमी पार्टी का असी भी तीह लाख रुपया फंड दे के असी आम आदमी पार्टी खड़ी करी असी बदला लेके आंदा सानू मिलिया की सब तो पहला आम आदमी पार्टी का दफ्तर खोलने वाले मैं आ नरेंद्र बिट्टा ही 10-15 जाने से बरनाले जिन्होंने असी कचहरी चौंक के सब तो पहला आम आदमी पार्टी का दफ्तर खोला उदो भगवंत मान को टिकट मिली नहीं सीधा मैंने फोन आता रहा थां भाने किवें आ मैं करा गल याद सत श्री अकाल तुसी लोकराय टीवी देख रहे हो तो मैं हाँ परमिंदर सिंह भाना सिद्धू जेल तो बाहर आए ने मेरा खुद भाना सिद्धू मौजूद ने किस तरीके के हालात रहे भाने भाई सत श्री अकाल ठीक ठाक हो हाँ जी सत श्री अकाल जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी पहला तो सब तो मेरा सवाल पहला किस तरीके रहे जेल के कितनी की तकलीफ आई सब तो पहला तो शुकराना गुरु महाराज का गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का जिन्हों ने जिन्हों का वोट आसरा बहुत रहा तो देखो जदों फिर तुम ये हूँ आप पता ही होंगे जेलों का काम मेरे दादा जी तो लैके हुण उन्हां नूं देखदे आ उह बड़े वारी किसान जथेबंदियां करके बड़े वारी जेलां दे विच गए सीगे अज जे पंजाब दी किसानी जां यूनियन पंजाब दी कामयाब है उन्हां दी बड़ी वड्डी यूनियन दे विच कुर्बानी रही है इह तां गल्लां हुण पुरखियां तों सिखियां होईयां नेगियां जदों सरकारां नाल लड़ना जेलां परचे तां इह तां आम जी गल है इस करके कोई घबराहट वाली गल नहीं सरकार नूं कहिणे आ वी जे होर पाउणा होर भी पा लै कोई कोई घबराउंदे नहीं हैगे लोकां दे पंजाब हुण मैनूं पंजाब नाल प्यार है की करिए आस्ट्रेलिया दा मेरे कोल किन्ने टाइम दा वीजा पिया सीगा मैंने मैं भी इक्की दिन बाद ही मेरा उत्तर दिल नहीं लग्या मैं छड़ के भजया तुरे सामने आ वीजा पे मैं यार पंजाब चलते हैं आन सारी गिफ्ट तैयार करी खड़े सी गिफ्ट आन सार देता पर गल परमिंदर ये आ कि तू ये देख भी बड़िया बड़िया हूँ जोड़ा मैं उत्तर अखबार मिल जाता ना उत्त अखबार मिल जाता या माड़ा मोटा टीवी देख लेंगे वो देखते बड़िया 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 गल् करते हैं गए हूँ आप देखते हैं कि जिमें कि भगवंत मान आपदे आप भगवंत भगत सिंह बनने की कोशिश करता भगत सिंह के राह पर चलन की कोशिश करता भगत सिंह ने बहुत बड़िया बड़िया गल् करता दूजे पास मैं इन्हों ना अखबार से बयान देखा अपना जोड़ा इन्हों का मंत्री है हरजोत मैंस वो कहना महाराजा रणजीत सिंह वर्गा साडा साडा राज है साडा उदां दा लोग फील करते हैं वी भगवंत मान नूं दोनों ना कंपैरिजन आपस करता है तीजा डॉक्टर भीम राव अंबेदकर बड़ा मानता भी वो संविधान असीं पिछे फोटो लाई है जिहड़ा संविधान जिहड़ी फोटो लाई है कि वो संविधान ते पैरा दे रहा है भगवंत मान एक पासा कह रहा है भाजपा तो बहुत बड़ा खतरा संविधान नूं जिहड़ा तूं मेरे ते परचा पाया है आ मेरा सारा मजदूर भाईचारा खड़ा है की एससी एक्ट मेरे ते लाउणा बणदा है सब तो वध मेरे दे घरे मजदूर आए होने इस टाइम तू की संविधान का की डॉक्टर भीम राव की अंबेदकर की फोटो ला के कि वह तू मजाक ही डा रहा है वह लिखा संविधान में छिके टंग रहा है दूजे पास जो हरजोत मैंस इनू नवा हरजोत मैंस ने इन्होंने आम आदमी पार्टी नवा खिताब दें भगवंत मान महाराजा रणजीत सिंह का महाराजा रणजीत सिंह तो पैर वर्गा नहीं बन सकता साडा महाराजा रणजीत सिंह साडा खालसा राज दुनिया का सब तो वड्डा राज रहा दुनिया का सब तो चंगा राज रहा महाराजा रणजीत सिंह का उस राज 80% मुसलमान से 10% सिख से 10% हिंदू से किसी धर्म के नाल कोई धर्म का वितकरा नहीं है साडे महाराजा रणजीत सिंह तो अंग्रेज डरते होंगे घबराते होंगे साडा महाराजा रणजीत सिंह का एड्डा वड्डा राज सी वह तख्त में समर्पित सी अकाल तख्त साहब नूं जदों अकाली फूला सिंह ने कोड़े मारन की सज़ा लाई तो कोड़े मारन की सज़ा मंजूर की उसने उस महाराजा रणजीत सिंह ने पर तू कि तख्त में समर्पित हाँ तुम कि तख्त में समर्पित हो दिल्ली तख्त में समर्पित हो जिहड़ी दिल्ली हमेशा तो लैके पंजाब की दुश्मन रही है जिहड़ी बैरी रही है जिहड़ी पंजाब नूं खत्म करना चाहुंदी है दिल्ली ने सानूं दित्ता की दिल्ली की राजनीति ने सानूं दित्ता की अज तक आही दिता पंजाब ने 1947 तो लैके किन्नी वड्डी जिहड़ी पंजाब की किड्डी वड्डी कुर्बानी है पंजाब नूं मिलिया की है जे पंजाब ने पंजाबी सूबा लैना वह भी धरने ला के लैना पानियां लई लैना हर एक चीज़ लई सानूं धरना लाउणा पैंदा है
तू उस समर्पित उस दिल्ली की राजनीति में समर्पित है। केजरीवाल वर्गे की कहने केजरीवाल वर्गे नीति की है, केजरीवाल की अज नीति है पूरे देश का प्रधानमंत्री बनना है। तू अज जो पंजाब के हित सारे कुछ भुल गया। एक गल अपने साडे पंजाबियों ने चीज़ दिमाग के बिठा लेनी चाहिए है कि तैनू मेरे घर के दुख का नहीं ना पता, दिल्ली में साढ़े दुख का की पता, दिल्ली की राजनीति दिल्ली के लीडर साढ़े दुख का की पता है, पता कुछ उन्होंने आज साढ़े तो हुकूमत सत्ता के भारी है चला वो रहे ने गे सानू ये बड़िया बड़िया गल्लां करता जी। केजरीवाल ये कट के बयान देखो मैं बंगला नहीं लूँ, मैं कोठी नहीं लूँ, मैं कुछ नहीं लूँ, हुण किसी चीज़ की किसी कोई वादे ते खड़े ने गे। मैं चीज़ पिछले मैं अखबार के बयान पढ़िया राघव चड्डा कहना मैंने बंगला नहीं पसंद है जो दिल्ली वाला मैंने दिता, दो बंगले दते दोने बदलते, 50 नंबर कोठी इतने लई बैठा, पंजाब दे गार देने लई बैठा, कि गल तो चल रहे हैं जिहड़ियां वोटां दे होए गल कह रहे थे, जिहड़े भगत सिंह दीआं गल्लां करदा वड्डियां वड्डियां गल्लां मारदा, भगत सिंह ने आजादी सानूं इस काम नूं लिख दित्ती सीगी, वो कहिंदा गोरे अंग्रेज़ वगे काले आ गए, काले की कर रहे हैं साडे उपर, इस तरह लोगों के उपर झूठे परचे पाओगे, कोई साबित करके चीज़ा दिखा दे मेरे भरा का जां मेरे ते एक्सीडेंट एससी एक्ट बनता होवे। फिर अज पंजाब की मीडिया की आवाज़ बंद की जा रही है, अजीत अखबार वाले तुसीं देख लो, अजीत अखबार की गल कर ला, जिन्ने भी सोशल मीडिया चैनल ने जिन्ने भी जिहड़े तां इन्हां दी बोली बोलदे नेगे वो तो बचणगे, जिहड़े कोई पंजाब की गल करदे ने बंद होणगे। मीडिया के उपर आ जिहड़ा कब्जा है, असीं गोदी गोदी मीडिया कहिंदे सी, अज केजरीवाल भगवंत मान मीडिया होया पिया, अखबारों के उपर यह चीज़ देख लो, आज तक तो लैके जिन्हें भी पंजाब के नैशनल टीवी चैनल ने हर एक दे उपर ऐड दो मिनटों बाद ऐड आँदी आ कम करता आह कम करता की कम करता कि पैसा खुरद बुद किया जा रहा। इस करके ये जिहड़े ड्रामे ने अगली गल हुण मैं ये कहना चाहुंना कि साडी तुसीं आ देखो पिछे जे की होया अपना किसान साढ़े किसान जथेबंदियों ने की होया पटियाले कि कुट की गई कि कुटमार की गई। मैं गल भगवंत मान कहना चाहुंना पिछे जे मैं बयान देख रहा सीगा टीवी दे विच भी मैं देखा वह प्रताप बाजवा वर्ग कह रहा नवजोत सिंह सिद्धू कह रहा मजीठिए कह रहा है जोड़ी पिछ तो तुम खेडना मेरे ना आ जाओ जोड़ी पिछते मेरे ना खेडना तुम आ जाओ। मैं गल ध्यान सुन ला भगवंत माना तेरे ना चले हुए कारतूस तेरे ना नहीं खेड सकते किसी भी पिछते तेरे ना खेडन गया पंजाब का नवा यूथ पंजाब के नवे नौजवान गुरु गोबिंद सिंह के वारस तेरे ना खेडन गए जिहड़ी मर्जी पिछते आ जी तेरे ना हुण असीं खेडांगे जिहड़े तू चालां दे उपर उतरिया होया। जे कोई नौजवान पंजाब की गल करता चल जेल च चल परचा चल एन एस ए ये काम तेन बनाया सीगा। अज कोई भी तुसी धरने दे विचों तुसी धरने दे विचों निकली हुई पार्टी हो अज कोई भी पंजाब दे विच धरना नहीं ला सकता कोई भी अपनी मंग लई नहीं सड़क ते उतर सकता कोई उत्थे नहीं जा सकता दे डांग भरांदे नेगे कि जिहड़ियां नौकरियां दित्तियां नेगियां नौकरियां की गल कर रहा अज का मैं देखा 27,000 कहिंदा नौकरियां दित्तियां 14,000 सिख्या प्रोवाइडर तां उत्थे धरने दे उपर बैठा उन्होंने जिन्होंने पहला क्या 6 महीने सिक्ख्या प्रोवाइडर कहा भी मैं तुम्हें नौकरी देती तो धरने के उपर बैठे ने गए उन्होंने सिक्ख्या प्रोवाइडर का जो मैं अखबार के उपरों न्यूज़ देखी थी उन्होंने प्रधान बुला के स्पैशल उन्होंने आ दिता भी दिता सगा लैटर भी चुको उसमें ज्वाइनिंग लैटर दिता वो अच्छे सारे धरने के उपर बैठे ने क्यों नौकरियां ला के बड़िया बड़िया एडा ला के लोगों को बुद्धू बना रहे हैं हर एक चीज़ पर ऐड हर एक थान पर ऐड अखबार देख लो वे ऐड चैनल देख लो वे ऐड पंजाब का जो सोशल मीडिया है जे तो कोई यदी गल करता तो बचूगा नहीं बंद ये हुकूमत है तेरी यहोजा कुछ बाबर जाबर वर्ग ने बथेरा ने किया बड़े आके धाबड़ी ताड़ भी आके मुड़ के कोई नहीं रहा। मैं कल होर कहना चाहना पंजाब के लोगों को यह सिखा का विरोधी बंदा है जिहड़ा नवा बैठा है बनाया असी ये कोई ये कोले पंथे गल नहीं जिधर नू चलता देखिए अकाल तख्त का विरोध सारे पासे चीज़ का देखता इतों पता लगता कि यह जिहड़ा मोहरा बना के किवें दिल्ली साढ़े उपर इन वरत रही है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार तो 103 किले जमीन मंग ली, पंजाब सरकार ने भी हाँ करती कि जिहड़े हैगे कमांडो की हब पंजाब केंद्र की जिहड़ी हब है कमांडो की वो पंजाब दे विच हुण हब बन जा रही है ये हब हुण इत्थों तां इही तां गल्लां साबित हुंदियां नेगियां पंजाब दे विच हब क्यों बना रहे हैं पंजाब दे उपर कब्जा है पंजाब ने पंजाब की आबादी किन्नी है असी है गिनती च किन्ने हैं किड्डिया वड्डिया कुर्बानियां दित्तियां मैं आस्ट्रेलिया देश दे विच गया परमिंदर गल सुनने वाली है उन्हां दी करंसी दे उपर उन्हां दी महाराणी की फोटो है साडी करंसी के उपर गांधी की फोटो है हजे भी वह देश इन्ना ज़्यादा तरक्की दे हजे भी देश उन्हां दी करंसी के उपर उन्हां दा जिहड़ा काबज है इंग्लैंड ब्रिटिश राज उन्हां दे काबज है पर असी जिहड़े साडे पंजाब ने साडी कौम ने एड्डियां वड्डियां कुर्बानियां दे के 90% कुर्बानियां दे के देश नूं पूर्ण तौर पर आज़ाद कराता भी चक्को जी दी करंसी दे फोटो लाउणियां ला लो उन्हां दे उपर हजे भी ब्रिटिश दा राज है वो देशों के उपर आस्ट्रेलिया दे विच गया साडे उपर साडी करंसी के उपर जिन्नियां कुर्बानियां दित्तियां असी अपने देश दे विच कोई हुकूमत नूं जड़ों मारिया पट के इतों पता लगता कि पंजाब जिहड़ी तू कमांडो की गल करदा क्योंकि पंजाब लड़न वाली कौम असी साडे खून दे विच हुण मैं की करा मेरे ब्लड दे विच है मेरे दादा नेका वारी जेलां दे विच गया हुण मैथों हुण रहा नहीं आंदा वो गल्लां करे बिना साडे खून दे विच है साडे पंजाबियां दे साडी कौम दे विच खून दे विच है असी किसी की हुकूमत नहीं चल सकते
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡੋ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ MSP ਲੈ ਅਸੀਂ MSP ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 4000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਬਾਕੀ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖਾਤਰ ਧਰਨਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4000 ਕਰੋੜ ਫੰਡ ਰੁਕਿਆ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਬਣਦਾ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ ਥਰਮਲ ਲਾਏ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇਤਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਦਾ ਬਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਅੜਮਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਫੜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪਰਚਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਊਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ 20-20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਬਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਬਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ 20-20-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਲਟਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਕੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਕੱਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਉੱਧਰੋਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਚੱਲਦਾ ਡਰੱਗ 'ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਾਂ ਖੋਲ
बाकी वो सारिया गल्लां तुहाडे सामने करांगे, तू रुक जा हजे हजे तक कोई गल नहीं, शुरुआती है, देखता जाए। तो सारिया लीरां की खुदों वांगू झाड़ू नूं तीला तीला आपां ही करना। लगता कि तुसीं सरकार दे खिलाफ बोलदे जां पुलिस प्रशासन दे खिलाफ बोलदे सी, उहदा मुआवजा भावें सिद्धू नूं भुगतना पिया यार। इही दा कारण हुण सरकार, इह तां डिक्टेटर सरकार है, इह तां अंग्रेजां वाला कम है, इह तां मुगलां वाला कम है। चल मैं तां कहदा बेचारा उत्थे जगजीत सिंह डल्लेवाल वर्गे किसान जथेबंदियां उहनां दा गल कर ला, असीं कहदे बेचारे उहनां दा उह नहीं बख्शे। डल्लेवाल दा बयान अज दा मैं अखबार च पढ़िया, उह कहिंदा अंग्रेज हुकूमत नालों भैड़ी सरकार है। कोई ग्राउंड लैवल ते कम करके दिखाओ, कोई कर लोगों के पक्षी का करके दिखाओ। बस कला एडा दे करता जी, जो करता जी, बहुत करता, कली अपनी फूकी वाह वाह किया, कुछ नहीं। बारे भी कहें कि मन के बाद है कि भाना सिद्धू तो कोई कोई गलती हुई हो करके जेल की हवा खानी पेगी। गलती मैं एक चीज़ दिखा दो, इन्होंने 92 MLA ने, 92 का यह भगवंत मान है, 91 इन्हों के होर ने गे। इन्हों के किसी MLA का कोई दो चार क्ढ के, दो चार छड़ के जेडे इन्हों के MLA दिखा दो भी इन्हों के भाने ने जिन्ना कोई, मैं अंदोलन तो गल चक लो, जिन्ने कि जोगर हजे कोई, मैं कोई कड़ा बाले तकड़े घर का मुंडा, आम किसान का मुंडा, ये कहना मैं जी आए आपदे आप को कहता हूँ ना, मैं देखो जी आम घर का मुंडा, मैं मास्टर का मुंडा, मेरे को अच्छा तीन चार गल ही हैं, अच्छा तो मैं तो आम घर का मुंडा, जिन्ने जोगर मैं तो अपने पंजाब लिए अपने लोगों संघर्ष कर रहा, इन्होंने कोई MLA चक ला जो कोई इन्ना जे मेरे जिन्ना इन्होंने काम किया हो, तो एक फूकी वाह वाले ने। इन्होंने वो घुग्गों टिकटा दित्तियां ने दिल्ली ने भी जिहड़ा इन्हां दे कोई मूहरे बोल ना सके। पंजाब दे लोकां कोले यार, पंजाब दे लोक ये चीज़ चाहुंदे सीगे कि असीं दो पार्टी नूं हराउणा, उन्हां नूं ये नहीं सी पता भी जिहड़ा मूहरे आ गया चल इन्हां नूं वोट पा के देख लो। तुसीं भी चाह बन सीगे टिकट लैण दे, तां करके इन्ना विरोध कीता गया। इन्हें बुलाया भी है इहो जिहां, असीं तां सानूं तां पहलां इहदा पता लग गया सी, हुण इह गल सुण लै। 2014 दी गल कर लै, 2014 दे विच जदों पहलां सब तों पहलां आम आदमी पार्टी दा दफ्तर खोलण वाले मैं आ नरेंद्र बिट्टा ही 10-15 जाने से बरनाले के, जिन्होंने असी कचहरी चौंक के सब तो पहला आम आदमी पार्टी दफ्तर खोला ही। उदो भगवंत मान को टिकट मिली नहीं, सीधा मैंने फोन आता रहा, हाँ भाने के मैं मैं करा गल याद, जोड़े अजीत दफ्तर के बैठ के ये गल्ला बड़िया बड़िया करता सो जो मंजिला है, अज उस अजीत अखबार के खिलाफ चल रहा, उदो भाने सिद्धू वर्ग में बड़िया थापियां दिया नौजवानों ने जिन्होंने टिकट मिली है। सब तो पहला दफ्तर खोलने वाले ये हैं, सानू तो इन्हों के करतूतों जो पता लग गया भी इन्हों के अले पल कुछ नहीं करना की चाहते हैं, खड़ा ही छड़ता इन्हों का, इस करके इन्हां दे बधेरा ना साथ दिता। पर अज हुकूमत दे विचों जिहड़ा उल्टी चलना सीगा। बहुत धन्यवाद, ये साडे नाल सीगे भाना सिद्धू, जुड़े रहो लोक राय टीवी दे नाल, कैमरामैन संदीप नाल, धन्यवाद।